ऐसे तरीके के सेमिनार्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट दिन ब दिन बहुत ही ज़्यादा बदतर से बदतरीन होता जा रहा है। हमारे को ज़रूरत है कि हम लोग ऐसे सेमिनार करें ताकि इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचे और लोगों को पता चले कि क्या सही है और क्या गलत है। द फैक्ट कि इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेज करनी चाहिए कि हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने कि इतना अच्छा और बेहतरीन सेमिनार उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम इन्फॉर्मेशन आगे दें, क्योंकि द फैक्ट कि वी लिव इन इंडिया, इंडिया इज़ अ कंट्री विद द पॉपुलेशन इज़ हाफ इलिटरेट, एंड द फैक्ट दैट इलिटरेट्स कैन ऑल्सो बी नॉलेज, कैन ऑल्सो हैव नॉलेज, वी शुड टेल दैम, वी शुड टेल एवरी वन द फैक्ट वट इज़ हैपनिंग एंड वट इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शंस। एवरी एक्शन हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस एंड आर एक्शंस ऑन आर एनवायरमेंट हैज़ वेरी डेयर कॉन्सिक्वेंसेज। आजकल अगर आप देखें हर एक गांव में, हर एक शहर में प्रॉब्लम है फ्रेश वाटर की, क्योंकि या तो हम पानी ज़ाया करते हैं या हम खाया भी है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीखें वाटर को कैसे हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, जैसे कि वाटर रिसाइकलिंग, और किस तरह हम अपनी वाटर बॉडीज़ को बचाएं, किस तरह ज़्यादा पेड़ लगाएं क्योंकि ताकि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग ज़्यादा हो, किस तरह पॉलीथीन का कम इस्तेमाल करें सो दैट जो पानी ज़मीन में वरना जाता वो रुकाता है इसको पॉलीथीन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।